सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा श्री राम वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड कार्यभिदायिनी कलोहि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायम् ब्रूहि यत्नदा। देव्यो वाच शृणु देवा प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश साधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुते प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तशलोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादागृश्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षभीषमशेषजन्द स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तुदण्डा सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थि हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रष्टायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। अरोगान शेषान पंशि दुष्टा हृष्टा तु कामान सकलान भीषान त्वामाश्रितानां नभिपण्डराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां भयन्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि। एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्राशूलधारिणि पिनाकधारिणि चित्रा चण्डघण्टा महातपः मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तरूपा चिदाचिति सर्वमन्त्रमयी सत्या सत्यानन्दा स्वरूपिणि अनन्ता भावनि भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षगण्या दक्षगण्यविनाशिनि अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावधि पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीरञ्जनि
अमेया विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी भरदुर्गा च मातंगी मतंगा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकेतवहंत्री च चण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च केशोरी जुवती यति अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जायिदं प्रवटे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजे त्वया भक्त्या पठे नाम शताशकं तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासदां जाति राज्य श्रियमापणयात् गौरोचनालग्नकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलग्नयन्त्रं विधिना विधिज्ञोपवे सदा धार्यते पुरारि भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शत्रिशां गते विलग्न भ्रमणे स्तोत्रं जापवे संपदां पदाम् ॐ। सभी धर्मप्रेमी भक्तजनों का माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की प्रातःकालीन आरती का पवित्र समय है। इस दिव्य गुफा के अंदर परम पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है। आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण निहित है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि माँ भगवती वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हमें माँ भगवती की आरती में सम्मिलित होकर माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती के स्तुति करने का सत्संग करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। जीवन में इस प्रकार के अवसर हमें बार बार प्राप्त नहीं होते। पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही हमें जीवन में इस प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं। जब हमारा मन संसारिक बंधनों को तोड़कर माँ भगवती के चरणों की ओर प्रेरित होता है, उसी समय हमारे मन में इस प्रकार के सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि क्यों ना कोई हम सत्कर्म करें, दान पुण्य करें, यज्ञ करें, तीर्थ यात्रा करें। तो ये सब हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के फल स्वरूप हमें प्राप्त होता है। आरती के समय का बहुत बड़ा महत्व है। आरती के समय समस्त देवतागण
माँ भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए सूक्ष्म रूप से माँ के चरणों में उपस्थित होकर करबद्ध स्तुति करते हैं और माँ के आरती के समय माँ के आशीर्वाद के साथ साथ हमें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आरती के समय का बहुत बड़ा महत्व है। आरती के समय जिन स्तोत्रों के द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जाती है वे स्तोत्र परम कल्याणकारी हैं। उनका नित्य प्रति घर में पाठ करने से सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है, अनेक प्रकार की जो आदि व्याधियां हैं वह दूर होती हैं। तो सभी शरणागत भक्तजनों से निवेदन है कि माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। अथ देव्या कवचम ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता अंगना सोत्तमातरो बीजं दिगवंत देवता सत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगा ओम नमः चंडिकायै मार्कण्डे उवाच ओम जदगुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मा वाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायणीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे भीष्मे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता नातेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ज्येष्ठभक्त्या सुमृगानूनां तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां समरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशया प्रेतसंसाधु चामुण्डा पाराहि महिषासना इन्द्रियगयसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शकवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मणी हस्तसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् देत्यानां जननाशाय भक्तानामुभयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां च हिताय मे नमस्ते अस्तु महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धने प्राचं रक्षतु मामेन्द्रे अग्ने आमग्निदेवता दक्षिणे अवतु भाराहि नैऋत्यं गर्गधारिणि प्रति चम्भारिणि रक्षे वायव्यां मृगवाहिनि अधि च पादुकुमारि ईशान्यं शूलधारिणि
अर्थम ब्रह्माणि रक्षेत तस्था वैष्णवी तथा एवं दशति चोरस्य चामुण्डा शववाहना जया मे जागृता पातु विजया पातु पृष्ठदा अजिता पाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मद्योदनी रक्षेत मामूर्धनि व्यवस्थिता माला धरि ललाटे च प्रभो रक्षेत जस्वरे त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्करि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनि कपालोकालिका रक्षकर्णमूले तु शङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोश्चे च जर्जिका अधे च मृदुकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रक्षे पाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरि नीलग्रीवा मयि कण्ठे नलिकामलकूपरि स्कन्दो खड्गणि रक्षे बाहु मे वज्रधारिणि हस्तोदण्डणि रक्षे अम्बिका चाङ्गुलेषु च नकाशुलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी सरो रक्षे महादेवी मनाशोकविनाशिनि हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नाभो जगामिनि रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तदा भूतना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनि पट्यां भगवती रक्षे जानिनि विन्ध्यवासिनि जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनि गुल्पयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलीश्री रक्षे पादारत्सलवासिनि नखाकृष्णाङ्गराली च केशाचेवोर्ध्वकेशिनि रोमकोपेषु कोपेरि त्वचं भागेश्वरी तदा रक्तमज्जापसामासान्यसि मेदासि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मापति पद्मकोशे कपे चूडामणिस्तदा ज्वालामुखी नखज्ज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि रे रक्षे छायां क्षत्रेश्वरि तदा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षे ते धर्मधारिणि प्राणापानं तथाभ्याणम् उदानं च सुदानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभन रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणि सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च दक्षिणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षे महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मन्त्राणां सुमता रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारि महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिरा रक्षाहीनं पुरस्तारं भर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतु जदीशेषु आत्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकामिका जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरं मधुरं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामेश्व पराजितः त्रैलोके तु भवेत् पूज्या कवचेनाभृता पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं चापटे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सन्ध्यान्विता देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येश्वराजिता जीवेत् पशुतं सागरम् अपमृत्योऽभिवर्जिता नश्यन्ति व्याधयः सर्वे दूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्भृशम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा केचरा चैव जलजाशोपदेशिका सहजा गुलजा माला डाकणी शाकणी तथा अन्तरिक्षाचरा गोरा डाकिन्यश्च महाबला यः भूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा वीरवादयः
नश्यन्ति दशना तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानवनृति वैराग्यस्ते जो वृद्धिधरं वरं जशसा पतते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा जापत भूमण्डलं दत्ते शशिलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं जत्सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन सर्वोद्धते ॐ अथ अर्गलास्तोत्रम् अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषि अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ श्रीमङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनि दुर्गा क्षमा शुभा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूताधिहारिणि जय सर्वगरे देवि कालरात्रे नमस्तुते मधुकेटभिद्राभिरात्रिवर्दे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुसुते नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि रक्तबीजपदे देवि चण्डमुण्डा विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि शुम्भस्य धूम्राक्षस्य समर्दने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि पण्डिताङ्ग्रीजुरे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि सुमद्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि चण्डिके सततं जयित्वा मर्चयन्ति भक्तिता रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि विदेहि द्विषुतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि विद्यावन्तं जशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि प्रचण्डदैत्यदर्पगणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि कृष्णेन संस्तुते देवि षट्षड्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि हिमाचलसुरानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि इन्द्राणीपति सर्वापूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि देवि प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि देवि भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः
सातो सप्तशति संज्ञा परमा प्रणोति संभवा। अथ कीलकम् ओमस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशति पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रियाप्राप्तनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्यानि मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेमम् वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यनुसारकादीनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेन सुतरां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नोषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामहरा कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसा समाप्तिं च पुण्यस्य तापया पुण्ययन्त्रणां सोऽपि क्षेमम् वाप्नोति सर्वमेवं न संशया कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यशेषा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं जो निष्किलाभिधायेन नित्यं जपति संस्फुटं सा सिद्धा सा गणा सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापष्टस्तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्यो वयं जाति मृतो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्रैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते पुरे सौभाग्यादिरजनिश्च दृश्यते लग्नाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं सर्वे तु जाप्यमाने स्वयं स्तोत्रे सम्प्रतिरुच्यै भवत्येव समज्ञापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ईश्वरं च प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहानि परो मोक्षास्तूयते स न किञ्चने। श्रीमहिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेतनि विश्वप्रोदनि मन्दरे गिरिवरविन्दगिरोदिनि वासनि विष्णुविलासनि विष्णुमते भगवति पोषण शङ्कर दोषण दिन विषमोषण गोचरते धन जन रोषण दित सुत रोषण दुर्मद शोषण सिन्धु सुते जय जय हे मय सासुर मर्दन रंगत परदन शैल सुते हरि जगदम्ब दम्बर दम्ब मन प्रिय वासन हाथरते शिखर शिरो मणि तुंगय पालय लय मध्यगते मधु मधुरे मधुरे तव गञ्जन जे तव भञ्जन वासरते जय जय हे मय सासुर मर्दन रम्यक परदन शैल सुते हरि सत कण्ड विखण्डित रुण्ड विकुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपु गज गण्ड विदा
Jaya 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 J
अब अंतिम पृष्ठ निकाल लीजिए। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हरनिशमया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि नानामि विसर्जनम् पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रेण क्रियाेण भक्तेण सुरेश्वरे जदपूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध जतं कृत्वा जगदम्बेति जोचरे जागदं पाप्नोति नातां ब्रह्मा दयासुरा सातरादोऽस्मि शरणं प्रातस्त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्प्योऽहं जतयिष्यसि तदा गुरु अज्ञानाद्धिसुते भ्रान्त्या जन्योरमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सचिदानन्द विग्रहे ध्यानाब्जामि मा प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी भूयाति भूयगोपे त्वं ध्यानासमर्पितं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी हे मई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों इस प्रकार हम सबने माँ भगवती के चरणों में बैठकर बड़े भक्ति भाव से माँ की स्तुति की पाठ किया। माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ इसे आप प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा दान दो। ऐसा मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार नाद करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे ओ।
बोल सांचे दरबार की। धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती का समय है। इस दिव्य गुफा के अंदर माँ भगवती जगजननी तीन प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। माँ की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और चरणों से चरण गंगा रूप निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिसके चरण जल से हम स्नान आदि करके माँ के दर्शनों के लिए माँ के चरणों में उपस्थित होते हैं। माँ भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को तीन प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं, महासरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों के द्वारा हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के सत्कर्म करते हैं और तीनों से ही हमारा जीवन जो है वह आगे बढ़ता है। बिना शक्ति के हम कोई भी कार्य कर्म करने में समर्थ नहीं होते और बिना धन के हम अपना जीवन यापन करना हमें कठिन हो जाता है और बिना बुद्धि के हम संसार में अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। कौन सा कर्म हमें करना चाहिए और किस कर्म करने से हमारी दुर्गति होगी, इसका आभास हमें ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए हम माँ भगवती जगजननी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें जो आपने शक्ति दी है, जो धन दिया है, उसका बुद्धि के द्वारा सदुपयोग करें, उसको कभी भी गलत कार्यों में दूसरे को दुखी करने में हम ना लगाएं और उसका सदुपयोग करते हुए हम अपना जीवन यापन करते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकें। हे माँ, हमें ऐसी शक्ति दो। माँ भगवती अपने शरणागत भक्तों को अनेक प्रकार के और भी आशीर्वाद देती हैं और माँ की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है, क्योंकि माँ जो है वे ममता की मूर्ति है और माँ कभी भी बच्चे का अहित नहीं सोचती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता जो है कभी भी कुमाता नहीं होती। इसलिए माँ भगवती हम सबका कल्याण करें। आज का पंचांग है शुभ संवत 2076 के श्रावण मास की 31 प्रविष्टे है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि आज जो है सायं 6 बजे तक है और रक्षाबंधन का शुभ समय भी सायं 6 बजे तक है। श्रवण नक्षत्र है, सौभाग्य योग है, भव करण है। तदनुसार 15 अगस्त 2019 बृहस्पतिवार के दिन प्रातः आरती के समय माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती की अपार कृपा से हमें ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है कि माँ के चरणों में बैठकर हम
सत्संग कर सकें, स्तुति कर सकें, माँ की आराधना कर सकें। धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज बहुत बड़ा दिन है। एक तो रक्षाबंधन है जो हमारा सनातन धर्म में बहन भाई का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, और दूसरा जो है आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आज स्वतंत्रता दिवस भी है। इसलिए आप सब भक्तों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। धर्म प्रेमी भक्तजनों, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाई की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं इस मंत्र के द्वारा। येन वद्दो वली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। रक्षाबंधन के विषय में कहा गया है कि यह श्रावणे विमल मासी विधान विज्ञो रक्षा विधान मिदमाचरते मनुष्यः आस्ते सुखेन परमेन सा वर्षमेकं पुत्र पौत्र सहिता सा सुहृद जना स्यात्। अर्थात श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन बांधने से, रक्षा सूत्र बांधने से मनुष्य वर्ष भर तक पुत्र पौत्र सहित सुखी जीवन व्यतीत करता है। इस दिन केवल भाई बहन ही नहीं अपितु सबको रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। आज रक्षाबंधन के साथ साथ एक और पर्व है, वो है श्रावणी। श्रावणी जो है वे द्विजों का पर्व है, और श्रावणी के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनाया जाता है। और इस दिन द्विजों द्वारा श्रावणी कर्म भी किया जाता है। आज के दिन नदी के तट पर जाकर यथा विधि स्नान आदि करके ऋषि पूजन तर्पण होम आदि कर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये भी श्रावणी कर्म का भी बहुत बड़ा महत्व है, और प्रायः इसका दिन प्रतिदिन लोप होता जा रहा है और कई लोग इसको मनाते भी हैं। तो आज का दिन जो है हमारी स्वतंत्रता का दिन है। आज 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। आज हम भारतवासी आज़ाद हुए थे, इसलिए हम सब भारतवासी आज 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी, और इस आज़ादी का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमें जो मन में आए वो करें, ऐसा नहीं है। हमारे साथ कई प्रकार के मान मर्यादाओं के बंधन हैं, नियम हैं, देश का संविधान है, समाज का विधान है, और परिवार की मान मर्यादा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम आज़ादी के दिवस को अगर मनाएं तो हमारा जो ये पर्व है बड़ा ही सुखमय होगा। हम अपने परिवार में रहने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं,
परंतु कोई ऐसी बात हम ना करें जिससे कि परिवार के किसी भी सदस्य का अपमान हो या उसको बुरा लगे, चाहे वह छोटा है या बड़ा है। मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए परिवार में हम लोग रहेंगे तो हमारा परिवार जो है वह सुखी रहता है। इसी प्रकार हमारा समाज है, हम समाज में रहते हैं और समाज में भी एक मान मर्यादा बनी रहती है और उस मर्यादा के अनुसार अगर हम समाज में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि समाज में भी कई प्रकार की हमारी आपस में समस्याएं होती हैं, मतभेद होते हैं, परंतु उन मतभेदों के कारण हम अपना आपा ना खो दें और उस समाज के विधान अनुसार, नियम अनुसार किसी का अपमान ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे, इन बातों का ध्यान रखते हुए हम अगर समाज में अपनी बात रखेंगे तो हमारी बात भी सुनी जाएगी और उससे हम सबको लाभ होगा। तो इसलिए समाज में भी हमें जे स्वतंत्रता है कि हम अपनी बात रख पाएं, परंतु उसके लिए जे ध्यान हमारा अवश्य होना चाहिए कि किसी को ठेस ना पहुंचे। इसी प्रकार हमारा देश है, हमारे देश में हमारे समाज के कई अंग जो हैं वह विद्यमान हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं। तो आज़ादी का ये अर्थ नहीं है कि हम किसी के प्रति भी कुछ भी कह दें, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी हमें मिली है हमें अपने निर्णय लेने के लिए, अपने लिए, दूसरों के ऊपर हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। सब मिलकर एक समाज को, एक देश को हम गठित करते हैं और उस देश को हम एक दूसरे के प्रति मान सम्मान के साथ एक दूसरे से अगर हम अपना वार्तालाप करेंगे, मतभेद जितने भी हैं उनको बैठकर हम सुलझाएंगे तो सारे मतभेद जो हैं वह सुलझ सकते हैं। परंतु मान मर्यादा और देश का जो संविधान है उसके अंतर्गत रहकर अगर हम देश में अपनी बात रखेंगे तो हमारा देश जो है उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा, अन्यथा मतभेदों के कारण परिवार भी जो है उसमें भी विघटन हो जाता है और टूट जाता है, समाज भी इसी कारण मतभेदों के कारण टूटता है और देश भी मतभेदों के कारण ही टूट जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी बात रखें तो वह बात जो है सबके लिए अच्छी सुखदायक होगी और सबको उसके लिए सहयोग मिलेगा और हम जो है अपने देश में बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक मिलजुल कर हम रह पाएंगे। तो आज़ादी का यही तात्पर्य है और आजकल जो हमने आज़ादी का जो हमारे देश में बोलबाला है वह आज़ादी नहीं है, आज़ादी है हम आपस में मिल बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए हम एक दूसरे का मान इज्जत की रक्षा करें तो ये देश को बहुत आगे ले जाएगा। तो इस प्रकार हम आज़ादी का अगर दिवस मनाते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है, सभी सुखी रहेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवाग् भवेत्। हम सभी सुखी रहें, मिलजुल करके रहें, निरोग रहें, किसी भी
किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो किसी की ओर से भी। तो जे अगर हम अपने इस नियम पर अगर चलते हुए हम जे पर्व मनाएंगे तो हम सब के लिए अच्छा भविष्य में सुखदायक होगा। बोल सांचे दरबार की जय। तो एक बार फिर रक्षाबंधन और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब भजनों की बेला है। माँ भगवती के चरणों में हम भजनों के द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन करूँगा श्री सुरेश जी से कि वे अपना एक भजन माँ भगवती के चरणों में प्रस्तुत करें। श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरोवाली मैया जी का। बोल सांचे दरबार की जय। मायंबे मेरा जीवन, मायंबे मेरा जीवन, संसार के लिए हो धर्म को न भूले।
में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी नैया, चाहे हमारी नैया, मझधार के कार के लिए हो, ये जिंदगी हो गए उपकार के लिए हो, मायंबे मेरा जीवन वाणी शरीर मन से जग का सदा भला हो, वाणी शरीर मन से जग का सदा भला हो, वाणी शरीर मन से जग का सदा भला हो, वाणी शरीर मन से जग का सदा भला हो, चाहे हमारा ये चाहे हमारे तलवार के लिए हो, चाहे हमारे तलवार के लिए हो, मायम पे मेरा जीवन संसार के लिए हो, मायम पे मेरा के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, मायम बे मेरा जीवन संसार के करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अब एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंदर जी। जय करा शेरों वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जे तू सारे अनु दिते माए भी, जे तू सारे अनु दिते माए वीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया, जे तू सारे अनु दिते माए वीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया, जे तू सारे अनु दिते माए वीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया, जे तू सारे अनु दिते माए क्यों ना ध्यान रखिया, ओ लिखी लखा दीवा तुयो तकदीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया, लिखी लखा दीवा तुयो तकदीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया, ओ जी तू सारे अनु दिते माए वीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया, तू सारे अनु मेरा क्यों ना ध्यान रखिया, कई बार
हाल तैनूं दिल दा सुनाया वा कई बार हाल तैनूं दिल दा सुनाया वा कई बार हाल तैनूं दिल दा सुनाया वा कई बार हाल तैनूं दिल दा सुनाया वा फिर क्यों तैनूं मेरा चेता नहीं आया वा फिर क्यों तैनूं मेरा चेता नहीं आया वा मां फिर क्यों तैनूं मेरा चेता नहीं आया वा फिर क्यों तैनूं मेरा चेता नहीं आया वा तू यूं बदले मां मथे दी लकीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया तू यूं बदले मां मथे दी लकीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया ओ जी तू सारेयां नूं दित्ते माए वीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया जी तू सारेयां नूं दित्ते माए वीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया ओ लिखी लखां दी मां तुयों तकदीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया ओ लिखी लखां दी मां तुयों तकदीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया लोकां ने गल्लां माए बड़ियां सी कीतियां लोकां ने गल्लां माए बड़ियां सी कीतियां लोकां ने गल्लां माए बड़ियां लोकां ने गल्लां माए बड़ियां सी कीतियां दस्सियां सी तैनूं माए जेड़ियां सी बीतियां 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 सुन गल्लां होई बड़ी पीड़ मेरा क्यों ना ध्यान रखिया सुन सुन गल्लां होई बड़ी पीड़ मेरा क्यों ना ध्यान रखिया ओजे तू सारेयां नूं दित्ते माए वीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया जे तू सारेयां नूं दित्ते माए वीर ओ लिखी लखां दी मां तुयो तकदीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया ओ लिखी लखां दी मां तुयो तकदीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया रखड़ी दा दिन बड़ा औखा मैं लंघानिया 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 होया की ये कुछ मैं ता समझ ना पानिया होया की ये कुछ मैं ता समझ ना पानिया होया की ये कुछ मैं ता समझ ना पानिया होया की ये कुछ मैं ता समझ ना पानिया सीने बज गए नित नमती मेरा क्यों ना ध्यान सीने बजदा है नित नाम दी मेरा क्यों ना ध्यान रखिया ओ जी तू सारेयां नूं दित्ते माए वीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया जे तू सारेयां नूं दित्ते माए वीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया ओ निक्की लखां दी मां तुयो तकदीर लखां दी मां तुयो तकदीर मेरा क्यों ना ध्यान रखिया मां ते देख वीर तेरा शुक्र मनावांगी ते देख वीर तेरा शुक्र मनावांगी मां ते देख वीर तेरा शुक्र मनावांगी ते देख वीर तेरा
ਵਿੱਚੋਂ ਵਗੇ ਨਿਤ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਵਗੇ ਨਿਤ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਵਗੇ ਨਿਤ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਏ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਲਿਖੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣੋ ਤਕਦੀਰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਲਿਖੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣੋ ਤਕਦੀਰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ 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 ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤੋ ਅਬ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ श्री जसपाल जी से वे अपना एक भजन प्रस्तुत करेंगे जसपाल जयकार शरवण बोल सांचे दरबार की जय ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो ਹੈ ਹਮ ਸਭ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ ਹਮ ਸਭ ਕਾ ਲਹਿਰਾ ਲੋ ਤਿਰੰਗਾ ਪਿਆਰ ਪਰ ਮਤ ਭੂਲੋ ਸੀਮਾ ਪਰ ਵੀਰੋਂ ਨੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਏ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋ ਕੁਛ ਯਾਦ ਉਨ੍ਹੇ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਲੋਟ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਜੋ ਲੋਟ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਐ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਕੇ ਲੋਗੋ ਜਰਾ ਆਂਖ ਮੇਂ ਭਰ ਲੋ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਨਕੀ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਕੇ ਲੋਗੋ ਜ਼ਰਾ ਆਂਖ ਮੇਂ ਭਰ ਲੋ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਨਕੀ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਆਂਖ ਮੇਂ ਭਰ ਲੋ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਨਕੀ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਐ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਕੇ ਲੋਗੋ ਜ਼ਰਾ ਆਂਖ ਮੇਂ ਭਰ ਲੋ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਨਕੀ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਬ ਘਾਇਲ ਹੁਆ ਹਿਮਾਲੇ ਖਤਰੇ ਮੇਂ ਪੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਓ ਜਬ ਘਾਇਲ ਹੁਆ ਹਿਮਾਲੇ ਖਤਰੇ ਮੇਂ ਪੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਬ ਤੱਕ ਥੀ ਸਾਂਸ ਲੜੇ ਵੋ ਜਬ ਤੱਕ ਥੀ ਸਾਂਸ ਲੜੇ ਵੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਵਿਛਾਈ ਸੰਗੀਨ ਪੇ ਧਰ ਕਰ ਮਾਤਾ ਸੋ ਗਏ ਅਮਰ ਬਲੀਦਾਨੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਨਕੀ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਤ ਮੇਂ ਭਰ ਲੋ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਨ
जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दीवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे होली, थे धन्य जवान वो अपने थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोग आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। रात में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा दी, दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, जब अंत समय आया तो कह गए मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। ऐ मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान। वतन के लोगो
जाओ तो इसी कही ये कहानी जो शहीद हुए हैं मुर्जी जरा याद करो कुर्बानी जय हिंद की सेना भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जयकार श्री रामलीला बोल सांचे दरबार की जय। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ एक भजन जयपाल जी प्रस्तुत करेंगे। जयकार श्री रामलीला बोल सांचे दरबार की जय। हम बेडोल रहला तेरा शेरवाली करो दुख मेरा हम बेडोल रहलाल तेरा शेरवाली करो दुख मेरा हम बेडोल रहा तेरा शेरा वाली हर दुख मेरा हम बेडोल रहा लाल तेरा शेरा वाली हर दुख मेरा हम बेडोल रहा लाल तेरा शेरा वाली हरो दुख मेरा अम्बे डोल रेहा लाल तेरा शेरो वाली हरो दुख मेरा मैनू मिठिया जुबान लुटिया मैनू मिठिया जुबान लुटिया मेरा कल मेरे अपने कुटिया मेरा कल मेरे अपने कुटिया जामा किधर मा जग है लुटेरा जामा किधर मा जग है लुटेरा शेरा वाली हरो दुख मेरा ओ जावा किधर मा जग है लुटेरा शेरा वाली हरो वाली हरो दुख मेरा हो अम्बे डोल रिहा लाल तेरा शेरो वाली हरो दुख मेरा अम्बे डोल रिहा लाल तेरा शेरा वाली हरो दुख मेरा I'm
चरनी लगा ले ओ भैया मैनू तो चरनी लगा ले अपने चरणा दा सेवक बना ले अपने चरणा दा सेवक बना ले भैया मैनू तू चरनी लगा ले अपने चरणा दा सेवक बना ले अपने चरणा दा सेवक बना ले देखा मैं भी सुखा दा सवेरा देखा मैं भी सुखा दा सवेरा शेरा वाली हरो दुख मेरा ਕਰਾ ਸ਼ਿਰਵਾਲੀ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਓ
गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुर्भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं सिंहस्था शशिशेखरामरक प्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजै शंखं चक्रधनुशरांश्च दधति नेत्रैस्त्रिविशोविता आमुक्तांगदहारकंकणरणन् काचीरणन् नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारणी भवतु नो रत्नोलसत्कुंडला सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माई मेरी सच्ची ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर हम सब ने बड़े आनंद के साथ भक्ति भाव के साथ माँ भगवती की स्तुति की, सत्संग किया। माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे द्वारा किया गया जे आज सत्संग, इसे आप स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। माँ की ओर से आप सब भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव, संततिवान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरि भूति करुणे दानैक निष्ठो भव, तेजस्वी भव, बैरि दर्प दलने व्यापार दक्षो भव, श्री शंभोर भव पाद पूजन रतः सर्वोपकारी भव, मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्तव। माँ भगवती आप सभी भक्तों की दीर्घायु करें, आप संतान से युक्त हों, धन धान्य से परिपूर्ण हों, यशस्वी हों, विद्वान हों, अनेक प्रकार की दान पुण्य करने में आपकी सामर्थ्य बनी रहे, आप तेजस्वी बने, आपके शत्रुओं का नाश हो, व्यापार तथा कारोबार में आप दिन प्रतिदिन उन्नति को अग्रसर हों, और माँ भगवती सदैव आप सब भक्तों पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखे, आपका तथा आपके परिवार का कल्याण हो, मंगल हो। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय माँ भगवती की आरती की वेला है, सभी भक्त जन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए भक्ति भाव से माँ भगवती की आरती गाएंगे, सब मिलकर के बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम, हरि ब्रह्मा गिर हरि ओम जय Let's go.
जयंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय परम पूज्य पुजारी जी मां भगवती की पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस दिव्य गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तों के बीच में आएगी, शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती की वंदना करेंगे, तब तक मां भगवती के नाम का संकीर्तन करेंगे, सब मिलकर के बोलेंगे
प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जीरा वाली जय माता दी, पाड़ा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, दुनिया वाली जय माता दी, चोलिया वाली जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, मां महाकाली जय माता दी, छप्पर वाली जय माता दी, शक्ति दंदी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गरुड सवारी जय माता दी, परे खजाने जय माता दी, सोलायाने जय माता दी, सरस्वती मां जय माता दी, हंस सवारी जय माता दी, विद्या दंदी जय माता दी, ज्ञान दंदी जय माता दी, भक्ति दंदी जय माता दी, शक्ति दंदी जय माता दी, चोलिया परदी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, गल मिल बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, पाड़ा वाली जय माता दी, गोरा वाली जय माता दी, गल मिल बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन माँ भगवती जी का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो यहि, यशो देहि दिशो यहि, सर्वे भवन् सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। तो सभी भक्तजन शांतिपूर्वक बैठकर मां भगवती की आरती का आनंद लेंगे। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती आरंभ करते हैं। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीये आद गणेश, तृतीये सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया पैर जो सब गड़ी जो चंदा जय। Thank you.
खड़गं चक्र गदेशिताभुजगाञ्चोलम्बशुण्डिङ्क्षिरासङ्गम् सन्दरलिङ्गलेशिलेनासर्वाङ्गभूषावृता नीलाश्मद्युतिमास्यपाददर्शिकाम् सेवे महाकालिकां ध्यामस्तु सविदेहरो कमलजो हन्तुं मधुकेतवम् अक्षासर्पर्षं कलेशगुलिशं पद्मन्दनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिंहधर्मजलजं घण्टासुरावाजनम् शूलं पाददर्शने च जगति हस्ते प्रसन्नायणां सेवे सेवमर्दनीमयुवा लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टा शूलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् अर्चादिन्द्रनान्तमिलसा सीतासतुल्यापर्वां गौरीदेव समुद्भवां विजगताम् आधारभूता महापूर्वा सरस्वती मनुभगे शुम्भादिदित्यायिनी तुमेव माता द्रिता तुमेव तुमेव वन्दोषणा तुमेव तुमेव विद्याजनं तुमेव तुमेव सर्वं महादेव देव शान्ताकारं भुजक्षयणं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानदङ्गं वन्दे विष्णो बहुवर्णं सर्वलोकैकनाथं केशवं रामनारायणं सुषुतामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथं शिवं चन्द्रं भजे हरे मुरारे मुदगे दुलारे गोविन्द गोपाल माकंद जोरे ज्ञानं भजेहि शरणं भजेहि विद्या भजेहि भगवन् नमस्तुते सच्या ज्योता भाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला करण वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा बुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा मुंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मंत्रहीनम के आगम भक्तिहीनम शेषे सभी भक्तजनों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा शेरावाली दा Yeah.
आशीर्वाद जो जो से आशीर्वाद जो जो से इधर इधर दो दो जो आशीर्वाद जो जो से ओम का देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे निजंतिका नमस्ते नमस्ते नमस्ते।